एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ स्क्वायर की टर्म्स दे रखी है और स्क्वायर की टर्म्स का सम हमने नहीं निकाला है। हमें नहीं पता है इसकी स्क्वायर के टर्म का सम क्या होता है। अगर हमें स्क्वायर के टर्म का सम नहीं पता है, हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ साइन स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस कोस 4 थीटा बाई 2, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस कोस 6 थीटा बाई 2, और लास्ट वाली की जगह आ जाएगा प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा, ओ सॉरी 2n थीटा बाई 2। यहाँ तक आपके कोई समस्या है तो आप बोलिएगा, है ना। कोस की है तो कोस में क्या आएगा? सीरीज किस में बन गई है? कोस में। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 बाहर ले लीजिएगा। कितने टाइम है? एन टाइम है, तो ये n/2 हो जाएगा। माइनस बाहर ले लिया है तो अब बनेगा आपका 1/2 भी बाहर ले लीजिएगा, आपका बन जाएगा कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस कोस 2n थीटा। और अब आप देखिएगा, कोस के टर्म है तो इसमें आएगा साइन बाय साइन मल्टीप्लाई कोस। अच्छा यहाँ बोलिएगा, यहाँ अल्फा आपका क्या है? 2 थीटा। बीटा क्या है आपका? 2 थीटा। और एन क्या है आपका? एन आपका एन ही है। हाँ जी, यहाँ तक कोई समस्या है तो आप बोलिएगा। इजी तरीके से क्वेश्चन को किया जा रहा है, आसान तरीका है क्वेश्चन का। तो लगा दीजिएगा एन बाई टू माइनस 1/2। यहाँ देखिएगा साइन क्या हो जाएगा? एन, एन की जगह एन, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 थीटा बाई 2। और नीचे साइन है तो साइन, कॉमन डिफरेंस है 2 थीटा बाई 2। और कोस का है तो यहाँ कोस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका 2 थीटा, लास्ट टर्म है 2n थीटा बाई 2। हाँ जी, यहाँ तक कोई समस्या है तो बोलिएगा। इसमें से 2 2 को कैंसिल कर दीजिएगा तो आपका बना है, क्या बना है सर? n/2 माइनस 1/2 इंटू साइन एन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन, इसको आप लिख दीजिएगा n+1 थीटा।